हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 8 ऑफ क्लास 6 डेसिमल। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, डेसिमल से स्टार्ट किया था और हमने क्या देखा था कि टेंथ क्या होता है। ठीक है, टेंथ डेसिमल की हमने बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं हंड्रेड डेसिमल की। हंड्रेड डेसिमल क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा। तो ये जो 1/100 है ये क्या है, 100। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.01 मीटर। ठीक है, जैसे उसमें अपन 1/10 को 0.001 लिख रहे थे, इसमें अपन क्या लिखेंगे 0.01। राइट, तो ये है हमारे पास 100 का मतलब। राइट, अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये, क्या इसकी कहानी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, गिव द क्वेश्चंस आर गिव द प्लेस वैल्यू टेबल, गिवन द प्लेस वैल्यू सॉरी गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल राइट द नंबर राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म हंड्रेड टर्म, हंड्रेड टर्म। ओके वंस, ठीक है, देखो हंड्रेड अपने को दिया हुआ, टेबल अपने को दी हुई है, हंड्रेड टेंस वंस, इसको थोड़ा सा इधर करके बना लेते हैं ना, और थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, हमें एक टेबल दी हुई है, उसमें हमें क्या लिखना है, प्लेस वैल्यूज लिखनी है। बेसिकली क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू दी हुई है, नंबर लिखना है हमें। तो 100 दिया हुआ पहले अपने को, ठीक है, फिर टेंस है, फिर वंस है, फिर टेंथ है और फिर हंड्रेड है, डी टी। ठीक है, ये अपने को गिवन है, तो ये अपने को दिया हुआ है 2, 4, 3, 2 एंड 5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, हंड्रेड का मतलब क्या होता है, हंड्रेड होता है, हंड्रेड का मतलब तो हंड्रेड होगा, टेन का मतलब टेन होगा, वन का मतलब वन, टेंथ का मतलब होता है 1/10 और हंड्रेड का मतलब होता है 1/100। हमें नंबर लिखना है, ठीक है, तो इसको तो अपन 2000 लिखेंगे, प्लस इसको अपन लिखेंगे 400 प्लस 300 सॉरी 33 प्लस 2/10, जितना उसका प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बस अपन, 2/10 प्लस 2/100। राइट, दिस शुड बी डन एज 2403 प्लस 0.2 प्लस 0.02, तो पूरा कैसे लिखा जाएगा, 2403.22। ये हमारा क्या आ गया, और नंबर आ गया, क्लियर है। ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एज डेसिमल्स, राइट एज डेसिमल। हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस दे रहा हूं मैं आपको, हमें उसका क्या करना है, डेसिमल लिखना है। ठीक है, तो अब हमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 4/5। ठीक है, अच्छा 4/5 क्या है, 10 बना सकते हैं 5 को, आसानी से 10 बन जाएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये लिखा हुआ है 4 × 2, 5 × 2 विच इज इक्वल टू 8/10, 0.8। क्लियर, इट इज क्लियर। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो मैंने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आई टेक 3/4। अब देखो 4 को 10 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 4 10 का मल्टीपल, सॉरी 4 का मल्टीपल 10 नहीं है, बट इसको हम 100 बना सकते हैं, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम इसको क्या बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं। तो 100 बना लिया, तो इंटू ट्वेंटी फाइव, दिस इज शुड बी 75/100 एंड आंसर शुड बी 0.75। क्लियर, ठीक है, अगला दिया हुआ है
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैसे कहा था कि जितने जीरोस उतने नंबर्स के आगे पॉइंट लगा दो, नंबर तो यहाँ एक ही है, तो क्या करते हैं, जीरो जीरो लगा देते हैं अपनी तरफ से, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई नंबर में इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अब आंसर क्या आ गया, 0.007। क्लियर है, कर लेंगे कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज राइट फ्रैक्शन, राइट एस फ्रैक्शन इज लोएस्ट फॉर्म, राइट एस फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, हमें क्या लिखना है, लोएस्ट फॉर्म में इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो ए हमें दिया हुआ है 0.04, ये दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, देखो इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे और जितने नंबर से पहले पॉइंट है उतने जीरो का नंबर नीचे आ जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/100, ये कट जाएगा 1/25 आ जाएगा लोएस्ट फॉर्म, एलसीएम हाई सॉरी एचसीएफ कितना आ रहा है, दोनों नंबर का 4 आ रहा है, वो कट गया, क्लियर। अच्छा अगला दिया हुआ है 2.34, नेक्स्ट वन इज 2.34, ये कैसे लिखा जाएगा, अपॉन 100, ठीक है, 2 से काटा तो 1.17/50 ये आ गया, ठीक है 1.17/50। अगला दिया हुआ है आपको 0.342, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 342/1000, क्योंकि तीन नंबर्स के आगे पॉइंट है, ये अगेन 2 से कटेगा, तो डिवाइडेड बाय 2 किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ये आ जाएगा 171/500, ठीक है ऐसा आ गया, कर लेंगे। तो ये हमने क्या किया, लोएस्ट फॉर्म में इसको बदल दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एस डेसिमल्स, ठीक है ये दिया हुआ है हमें, जो भी मैं आपके सामने नंबर लिखूंगा ना, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स लिखूंगा, हमें क्या करना है, उसका डेसिमल लिखना है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैंने आपको दिया हुआ है 200+30+5+2/10+9/100, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। तो देखो इसको तो अपन आसानी से जोड़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है 235 200+30 230+5 = 235+, ये लिखा हुआ है 0.2+, ये लिखा हुआ है 0.09, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 235.29, कर लेंगे, कर सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। अच्छा अगर मान लो अगला सेकंड मैंने दिया हुआ है 50+1/10 = 6/100, तो ये हो जाएगा 50+0.1+0.06, तो आंसर शुड बी 50.16, कर लेंगे, समझ में आया ना, देखो सिंपल अपन ने लिखते जा रहे हैं उनको, बस और कुछ नहीं कर रहे, ये अपन ने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। अब 100 वाला और आ गया, बस पहले अपन ने टेंस के लिए किया था, अब 100 वाला और आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चले आगे आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज सी पार्ट इज 306, सी इज 300, 306 and 700, ये दिया हुआ है 306 and 700, 306 को तो 306 लिख दिया, प्लस 700 को लिखेंगे 7/100, तो ये आ जाएगा 306+0.07, देन इट शुड बी 306.07,
07. क्लियर है? नो डाउट. चले आगे. नेक्स्ट इज 9 and 25,000. नेक्स्ट वन इज 9 and 25,000. थाउजेंड है ना. अच्छा, थाउजेंड का मतलब क्या है? 1/1000. ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? 9 + 25/1000. एक जीरो कम है तो ये ऐसा लिख दिया मैंने इसको, तो 9 + 0.025. आंसर शुड बी 9.025. कर लेंगे क्या? कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, इसी के साथ आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं अपन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. अच्छा, आप अब एक्सरसाइज 8.2 ट्राई कर सकते हैं ना. बिल्कुल कर सकते हैं आप. 8.2 आपसे हो जाएगा. राइट. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम बेसिकली फोकस करेंगे यहाँ पर. देखो, अभी हमने डेसिमल लिखना सीख लिया है, डेसिमल को ऐड करना सीख लिया नंबरों में. अब हम सीखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स, कि डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं अपन. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू.